यूपीएससी ऑफ पुलिस ने झांसी में एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर कर मार दिया था, जिसके बाद से एनकाउंटर एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा है। आइए समझते हैं क्या होता है एनकाउंटर, इंडियन लॉ इसके बारे में क्या कहता है, कौन से स्टेट में एनकाउंटर सबसे ज्यादा हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स की शिकायतों का क्या होता है, एनकाउंटर्स पर NHRC और NCRB आंकड़े क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या कानून में एनकाउंटर का मतलब। एनकाउंटर, ये शब्द पुलिस और अपराधियों के बीच भिड़ंत में खूब इस्तेमाल होने लगा है। एनकाउंटर में कई अपराधी मारे भी जाते हैं तो कई घायल भी हुए हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट दोनों ही पुलिस के एनकाउंटर को गलत ठहराते हैं। इसमें कई मामलों में कई बार पुलिस वालों को सजा भी हो चुकी है, लेकिन एनकाउंटर के मामले लगातार बढ़े ही हैं। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनकाउंटर शब्द का कोई जिक्र नहीं है। एनकाउंटर का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से मीटिंग होता है, यानी किसी से मिलना, मगर आम बोलचाल में पुलिस और अपराधी के बीच की वॉयलेंट भिड़ंत को एनकाउंटर कहा जाने लगा है। टाइप्स ऑफ एनकाउंटर, एनकाउंटर दो तरह का होता है। पहला, जिसमें कोई खतरनाक क्रिमिनल पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, ऐसे में पुलिस को उसे रोकने या पकड़ने के लिए फायरिंग का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा, एनकाउंटर तब होता है जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है, वो बचने के लिए भागता है, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और इसे भी हम एनकाउंटर ही कहते हैं। एनकाउंटर की सिचुएशन बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे वेपन यूज करने से पहले वार्निंग देती है, हवाई फायर करती है, अगर वो नहीं रुके तो उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैरों पर गोली मारी जाती है, तब भी अगर सिचुएशन कंट्रोल में ना आए तो पुलिस बॉडी के अदर पार्ट्स पर फायर करती है। एनकाउंटर पर क्या कहती है CRPC? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC का सेक्शन 46 कहता है कि अगर कोई अपराधी खुद को अरेस्ट होने से बचाने की कोशिश करता है, पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या फिर पुलिस पर हमला करता है, तो इन हालात में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हर एनकाउंटर के बाद जांच जरूरी की। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पुलिस एनकाउंटरों के संबंध में इंस्ट्रक्शंस जारी करते हुए हर एनकाउंटर की जांच जरूरी की थी। इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट एजेंसी से होती है। इसके खत्म होने तक एनकाउंटर में शामिल पुलिसमैन को प्रमोशन या वीरता पुरस्कार जैसे अवार्ड्स नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग CRPC के सेक्शन 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है। पुलिस कर्मियों को हर एनकाउंटर के बाद इस्तेमाल किए गए वेपन्स और बुलेट्स का हिसाब देना होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फेक एनकाउंटर में गिल्टी पाए गए पुलिसमैन को सस्पेंड करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। NHRC ने एनकाउंटर्स पर क्या कहा? मार्च 1997 में NHRC के चेयरपर्सन जस्टिस M.N. वेंकट चलैया थे। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था, NHRC को कई जगहों से और NGO से लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस के जरिए फेक एनकाउंटर लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही पुलिस एक्यूज्ड को तय नियमों के आधार पर गिल्टी प्रूफ करने की जगह उन्हें मारने को प्रायोरिटी दे रही है। NHRC ने एनकाउंटर पर क्या रूल्स बनाए हैं? जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो इसे तुरंत रजिस्टर में दर्ज करे। जैसे ही एनकाउंटर पर किसी तरह का शक हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या स्टेट की CID के जरिए होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर गिल्टी पाए जाते हैं तो मारे गए लोगों की फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। जब कभी पुलिस पर किसी तरह के गैर इरादतन हत्या के आरोप लगे तो उसके खिलाफ IPC के तहत मामला रजिस्टर होना चाहिए। घटना में मारे गए लोगों की विद इन 3 महीने मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। स्टेट में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई मौत के सभी मामलों में 48 घंटे के अंदर NHRC को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। इसके 3 महीने बाद पुलिस को कमीशन के पास एक रिपोर्ट भेजनी जरूरी है, जिसमें घटना की पूरी जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए। 8 साल में 1300 से ज्यादा फेक एनकाउंटर्स की शिकायत। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये लेखा जोखा देता है कि किस स्टेट से फेक एनकाउंटर की कितनी शिकायतें मिली हैं। NHRC की आखिरी एनुअल रिपोर्ट 2019-20 में आई थी। 2012-13 से लेकर 1920 तक की रिपोर्ट्स की पड़ताल बताती है कि इन 8 सालों में आयोग के पास फेक एनकाउंटर की टोटल 1356 कंप्लेंट्स आई हैं। यानी औसतन हर दूसरे दिन एक नए एनकाउंटर को फेक ठहराया गया है। किस स्टेट में सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर्स हुए हैं? इंडिया में सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर्स की शिकायतें छत्तीसगढ़ से NHRC के पास आई। 2012-13 से 2019-20 के बीच 8 सालों में छत्तीसगढ़ से NHRC को 317 फेक एनकाउंटर्स की शिकायतें मिली हैं। ये इस दौरान पूरे देश से मिली फेक एनकाउंटर्स की शिकायतों
मौतों का 23% है। फेक एनकाउंटर्स की शिकायतों पर क्या एक्शन होता है? 8 सालों में NHRC को मिली शिकायतों में से 50% से ज्यादा अभी उसके पास ही पेंडिंग है। 2012-13 से 2019-20 के बीच NHRC को फर्जी एनकाउंटर की 1356 शिकायतें मिली हैं। एनुअल रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 694 शिकायतें अभी NHRC के पास पेंडिंग है। 4 शिकायतों की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन भी अभी नहीं हुई है, जबकि 690 केस ऐसे हैं जिसमें या तो स्टेट पुलिस ने अपनी रिपोर्ट NHRC को नहीं भेजी है या उसकी भेजी रिपोर्ट अभी NHRC ने पढ़ी ही नहीं है। यानी फेक एनकाउंटर्स की 50% से ज्यादा शिकायतें अभी पेंडिंग ही हैं। फेक एनकाउंटर्स के केसेस में कितनों को ही सजा? NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2012 से 2021 के बीच पूरे देश में फेक एनकाउंटर्स के कुल 44 केसेस रजिस्टर हुए। इनमें से सिर्फ 6 केसेस में चार्जशीट फाइल हो पाई। 12 पुलिस वाले गिरफ्तार तो हुए मगर किसी को भी सजा नहीं मिली। 2016 में पूरे देश में सबसे ज्यादा 13 केसेस फेक एनकाउंटर के रजिस्टर हुए थे। इनमें से 4 केसेस में चार्जशीट भी दायर की गई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देश के बहुचर्चित एनकाउंटर्स सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर, बाटला हाउस एनकाउंटर, विकास दुबे एनकाउंटर, हैदराबाद एनकाउंटर और गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर। अगर आपको इन एनकाउंटर्स पर एक्सप्लेनर देखना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के और एक्सप्लेनर्स के लिए जिस्ट को फॉलो करें।